Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I'm Muskan Kalra and if you guys are seeing my face for the first time then do consider subscribing. Also hit the bell icon ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. सो गाइज बाय द टाइटल तो आप लोगों को पता चल ही गई होगी कि ये वीडियो किस बारे में है, बट मैं फिर भी बता देती हूँ. तो अभी रिसेंटली था इंडिपेंडेंस डे 15th of August को. सो तब चली थी नायका पे सेल 10 August to 15 August तक फ्रीडम सेल चली थी. तो नायका वैसे भी बहुत सारी सेल्स निकालता रहता है तो अब तो वो ओवर हो गई है, बट मैंने काफ़ी सारा, ये बहुत हैवी है, काफ़ी सारा सामान मंगाया. तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने ऑर्डर करी है, क्या क्या रिफिल्स किया है. बेसिकली मैंने ज़्यादातर तो रिफिल्स ही किया है बिकॉज सेल्स पे तो मैं यही करना प्रेफर करती हूँ कि जो भी सामान है अपना दोबारा से ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो चुका है तो उसको ले लेना. और नायका थोड़े थोड़े टाइम में सेल्स निकालता रहता है तो आगे भी अगर आप ये सब चीज़ें बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर नायका की सेल का वेट करना. और वैसे भी अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट सेल पे ज़्यादा अच्छा मिल जाता है डिस्काउंट. और सब चीज़ों के लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, सो वो चेक कर लेना इफ़ यू आर विलिंग टू बाय एनीथिंग. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस सबसे पहले हम ये अपना छोटे वाला बॉक्स ओपन कर लेते हैं एंड देन हम बड़े वाले पे चलेंगे. तो छोटे वाले में लेट्स सी कि क्या है. तो छोटे वाले में गाइस दो चीज़ें हैं. एक ये लैक्मे का परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन है. दिस इज हाउ दिस लुक्स. मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया है बट इसका एक्चुअल प्राइस है गाइज 170 रुपीज. एंड जो डिस्काउंट में मुझे मिला होगा तो मैं यहाँ पे नीचे सब चीज़ों के प्राइस मेंशन कर दूंगी जितने में मुझे मिला है, और जितने का ये है वो है 170 रुपीज. नेक्स्ट चीज जो मैंने मंगाई है वो है ये मिनी नेल किट बाय पोपेक्सो मेकअप कलेक्शन. एंड ये कुछ ज़्यादा ही मिनी आई है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी सी ही होगी बिल्कुल. तो लेट्स ओपन दिस. मैंने भी अभी तक ऐसे ही देखी है, मैंने अभी तक खोली नहीं है. सो मैं आप लोगों के साथ ही इसे ओपन करने वाली हूँ. लेट्स सी कि कैसी है कैसी नहीं है. आई होप मैं इसे सही खोल रही हूँ या नहीं खोल रही हूँ, पता नहीं. ओके गाइस बड़ी जद्दोजहद के बाद ये खुल चुकी है. तो इसमें 5 शेड्स हैं. Let me show you guys. ये इतनी सी आई है और बहुत पतली. वैसे तो क्यूट है बट क्यूट का क्या करूंगी जब इसमें सामान ही नहीं होगा. तो ये 5 शेड्स हैं. वेट आई विल शो यू. तो सबसे पहले मैंने आपको ये दिखाई है, एक शेड ये है. देन वी हैव दिस वन. सारे ही काफी प्रिटी हैं. दो तीन थे इसमें, मतलब दो तीन पैक थे डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के, बट मैंने ये वाला ऑर्डर किया है. एंड इसका कुछ ऐसे अलग से शेड नहीं लिखा हुआ, इसी पे लिखा होगा आई गेस. या तो ये है बेयर अनबटन बेसिक बॉसी रिबाउंड. ये 5 शेड है इसके अंदर और ये 250 रुपीज का है इसका एक्चुअल प्राइस. और जो मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिला है वो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी. तो 3rd शेड है गाइज ये. लेट्स मूव ऑन टू द 4th वन. 4th है ये एग्जैक्टली लाइक माई आउटफिट. एंड नेक्स्ट वन इज दिस. अरे ये वाला भी सेम है, ये वाला थोड़ा लाइट है, ये वाला थोड़ा डार्क है. तो ये 5 नेल पेंट्स मैंने ऑर्डर किए हैं. लेट्स स्ट्रेट डाइव इन टू दिस बड़े वाला डब्बा क्योंकि ये काफी ज्यादा हैवी है. लेट्स ओपन दिस. ओके गाइज मैंने अनपैक कर लिया था सब चीज़ें तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है. सो सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया है ये बायोटिक का बायो सी वीड रिवाइटलाइजिंग एंटी फटीग आई जेल. दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक लाइक. सो अंडर आई जेल है ये. मेरी आजकल पता नहीं नींद पूरी नहीं होती क्या, नींद नहीं आती, पता नहीं क्या होता है. मतलब रात के टाइम जैसे सोते हैं ना तो बार बार नींद खुल जाती है एंड सुबह के टाइम मुझे नींद आती है. तो मेरी आंखों में ना थोड़ी जलन रहने लग गई है तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर की. ये क्या निकला है इतना बड़ा बॉक्स है इसके अंदर से ये निकला है. बस लेट्स सी कि ये वर्क करेगी या नहीं. आई होप ये विजिबल हो. फोकस क्यों नहीं कर रहा भाई. हाँ तो ऐसी कुछ दिखती है. एंड दिस इज़ फॉर 199 रुपीज़. 200 रुपीज़ की है ये एक्चुअल प्राइस. एंड सब चीज़ों के मैं बार बार बोलूँगी तो ऑड हो जाएगा थोड़ा. तो सब चीज़ों के प्राइस यहाँ पे हैं जो भी मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिला है और जितने का ये मिला है तो मैं ये आपको साथ में बताई रही हूँ. 199 रुपीज़ का इसका एक्चुअल प्राइस है और जितने में मिला है ये नीचे लिखा हुआ आ जाएगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन.
नेक्स्ट मैंने मंगाया हिमालय का हेयर केयर का जो कॉम्बो है एक वो मंगाया है. तो सबसे पहले उसके अंदर गाइज आया है शैम्पू, इतनी बड़ी बॉटल. एंड इस शैम्पू का एक्चुअल प्राइस है 540 रुपीज़. बट ये मैंने तीन या चार चीज़ एक साथ लिया और 900 समथिंग में पड़ा है. मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कॉम्बो कितने का पड़ा है, बट इसके अलग अलग प्राइस बता देती हूँ. ये 540 रुपीज़ का एंड ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज बॉटल है, ये देख लो. और हिमालय का मैंने पहले भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं तो अच्छे रहते हैं. और ये मुझे किसी ने रिकमेंड किया है कि अगर हेयर फॉल हो रहा है तो ये वाली हेयर केयर रेंज यूज़ करो. सो आई विल गिव दिस अ ट्राई. सो इसके साथ आया है इसका हेयर ऑयल एंड दिस इज़ फॉर 230 रुपीज़. एंड नेक्स्ट अप इसके साथ आई है ये एंटी हेयर फॉल क्रीम या क्रेम, व्हाटएवर यू कॉल इट, ठीक है. और इसके साथ आया है इसका कंडीशनर, हिमालय का एग्जैक्ट कंडीशनर. तो ये चार चीज का कॉम्बो था. तो ये 900 समथिंग में पड़ा था जितना मुझे याद है, बट ये इंडिविजुअली 540 रुपीज का है. दिस वन इज फॉर 230 रुपीज एंड कंडीशनर इज फॉर 90 रुपीज एंड दिस क्रेम इज फॉर 90 रुपीज अगेन. तो इन टोटल कर लेना एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट मैंने मंगाया है, आई डोंट नो मेरे से गलती से हुआ है या कॉम्बो में था क्या था, मेरे को अच्छे से याद भी नहीं है. सो मैंने बॉडी वॉश ऑर्डर किया था लक्स का. ये मैं पहले से यूज़ करती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. तो मैंने ये वाला ऑर्डर किया था बट ये पता नहीं मैंने दो ऐड कर दिए कार्ट में या दो का कॉम्बो था. सो आई गॉट दीज टू, मैं चेक करके आपको भी बता दूंगी. सो ये दो हैं, इसका एक का प्राइस 99 है. एंड अगर आप बॉडी वॉश यूज़ करते हैं सो गो फॉर दिस वन. 100 रुपीज़ में आपको इतनी अच्छी क्वांटिटी मिलती है एंड ये बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग है. तो आई गॉट दीज फॉर 200 रुपीज़ आई गेस. तो इस पर भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट होगा और नीचे लिखा आ जाएगा. आई जस्ट लव देम. इफ़ यू आर अ बॉडी वॉश सॉर्ट ऑफ पर्सन, अगर आपको पसंद है यूज़ करना तो प्लीज़ ट्राई वंस ये वाले लक्स के, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है. So this is how the packaging looks like. काफ़ी ज़्यादा फ्लारी फ्लारी सी है और इसकी खुशबू भी इतनी ज़्यादा अमेजिंग है कि आप खुद जब बात लेके बाहर निकलोगे तो यू विल फील फ्रेश. दिस इज सो अमेजिंग. सो नेक्स्ट अप मैं आपको एक और बॉडी वॉश दिखा देती हूँ. तो दिस वन इज फ्रॉम पियर्स, लेट्स ओपन दिस. इसके साथ लूफा फ्री आया है. तो ये वाला बॉडी वॉश है प्योर एंड जेंटल बॉडी वॉश बाय पियर्स. दिस इज फॉर 135 रुपीज, 135 रुपीज. एंड मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट पियर्स के सोप आते थे ना जो, उसकी स्मेल है और मेरे को काफी ज्यादा पसंद थे. ये देख लो तो मेरी पुरानी वाली यादें ताजा हो गई, नॉस्टैल्जिक फील हो गया काफी ज्यादा. और मुझे नहीं याद था कि मैंने ये ऑर्डर किया है, बिकॉज मेरे को जितना ध्यान था कि मैंने फियामा का ऑर्डर किया है क्योंकि मैंने सारा शरोश, इफ़ यू फॉलो हर तो देखा होगा कि उन्होंने अपनी वीडियो में रिकमेंड किया था. सो मैंने मेरे को जितना ध्यान था कि मैंने फियामा का करा है, बट ये तो प्योर्स का है एंड इसकी काफ़ी सेम एग्जैक्ट वैसी ही स्मेल है जैसी इसके सोप की होती थी. तो वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस. एंड इसके साथ ये लूफा आया है फ्री. सो नेक्स्ट अप मैंने मामा अर्थ ऑर्डर किया है और इट्स द मामा अर्थ वाइटमिन सी बॉडी लोशन विद वाइटमिन सी एंड हनी फॉर रेडियंट स्किन. सो काफ़ी ह्यूज है इसकी ये बॉटल एंड दिस इज फॉर 399 रुपीज़, 400 रुपीज़ का है ये. 400 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी है आई गेस. सो सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस. एक्चुअली ये मेरी मम्मी को चाहिए था, मतलब ये नहीं कि बॉडी लोशन ही, शी वॉन्टेड टू ट्राई कि मामाअर्थ का प्रोडक्ट लेना, क्योंकि अभी उन्हें नया नया पता चला है कि अगर इनसे हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो ये उस एक परचेज पे एक प्लांट लगाते हैं. तो मेरी मम्मी चाहती है कि अब हम सिर्फ इसके प्रोडक्ट यूज करें ताकि वो पौधे लगाएं. ओके सो नेक्स्ट अप आई हैव दिस नायका नेचुरल्स का फेस वॉश. दिस इज लेवेंडर एंड कैमोमाइल कामिंग फेस वॉश. दिस इज फॉर पिगमेंटेशन. दिस इज अगेन फ्रॉम नायका नेचुरल्स, पपाया एंड आमला एंटी पिगमेंटेशन. तो ये वाला आई वॉन्ट टू ऑर्डर. दिस इज फॉर 140 रुपीज एंड ये दोनों कॉम्बो में काफी ज्यादा सस्ते पड़ गए. ईच वन इज फॉर 140 रुपीज एंड आई गेस मैंने ये कॉम्बो में 200 रुपीज का लिया है.
ये वाला आई वॉन्ट टू ट्राई सो बैडली, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन मार्क्स हैं, तो अगर हट जाए तो इट्स वेल एंड गुड. इफ़ यू हैव पिगमेंटेशन तो आप इसे यूज़ कर लेना एंड देखना, और अगर आपको रिजल्ट दिखता है या फिर आपको पिगमेंटेशन है और आप कुछ और यूज़ कर रहे हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो शायद मेरी भी उस चीज़ से पिगमेंटेशन रिमूव हो जाए. सो दीज आर द टू फेस वॉशेज आई हैव ऑर्डर्ड. सो नेक्स्ट अप आई हैव टू हेयर कलर्स. सो दिस इज फ्रॉम बी ब्लंट. ये दो मैंने ऑर्डर किए हैं एंड फर्स्ट वन है ये नेचुरल ब्राउन शेड है इसकी एंड दिस इज बर्गंडी शेड, डीप बर्गंडी वाइन कलर की शेड है इस वाले की एंड दिस इज नेचुरल ब्राउन एंड ईच वन रेटिंग इज फॉर 225 रुपीज. ये वाला भी 225 का एंड ये वाला भी 225 का है. सो लेट्स सी कि इससे मैं क्या करने वाली हूँ. आई विल शो यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. सो प्लीज सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा है और अगली वीडियो का वेट करें. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद दीज. अगर आपको समझ आ गया कि मैं क्या बात कर रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट अप आई स्टॉक्ड अप माई वन ऑफ माई फेवरेट फाउंडेशन. दिस इज फ्रॉम इन साइड कॉस्मेटिक्स. देयर एच डी फाउंडेशन इज extremely my go-to foundation and if you are going for a budget friendly foundation तो please go for this one. This retails for, आपको दिखा देती हूँ, तो मेरा ये already चल रहा है and again I have ordered this, but आप इसे जरूर 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 एक try देना. You will love this. I am very 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 sure about this. This is such a amazing foundation, but जो बोलते नहीं है कि मतलब लोगों को पता ही नहीं है, क्या बोलते हैं उस वर्ड को, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा. अंडर वैल्यूड, आई डोंट नो. गो एंड ट्राई दिस वन. आई एम श्योर यू गोना लव दिस. ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज अगेन मैंने ये रीस्टॉक करी है और मैंने आपको अपनी फेवरेट्स वाली वीडियो में भी एक दो वीडियो में ये लिपस्टिक दिखाई है. तो दिस इज निका के ट्रू मैट लिपस्टिक इन द शेड टर्किश रोज. सो इतनी अमेजिंग लिपस्टिक है. ये भी मैंने रीस्टॉक करी है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. शेड देख लो आप लोग. और इसका एक्चुअल प्राइस है गाइस, दिस इज फॉर 495 रुपीज एंड आई गेस आई गॉट दिस फॉर 350 रुपीज और 300 रुपीज. सो इट्स अ स्टील डील एंड बहुत प्यारा शेड है, बहुत प्यारा शेड है. और जो इसकी एप्लीकेशन है ना वो तो और ज्यादा अमेजिंग है. सो नेक्स्ट अप आई हैव गॉट लैक्टोकैलामाइन. बेसिकली आई यूज द पर्पल वन बट मैं इसको ट्राई करने वाली थी. दिस इज फॉर एक्सेसिव ऑयली स्किन विद एलोवेरा. सो मेरे को इसको ट्राई देना था, दैट्स वाई आई हैव ऑर्डर्ड दिस स्मॉल वन. तो दिस स्मॉल वन इज फॉर, I don't know guys, ये कितने का है. ये शायद 200 रुपीज़ का है. बिल भी मैंने फेंक दिया है तो 200 रुपीज़ का है. अगर मैं प्राइस में थोड़ा गलत होंगी तो मैं एक्चुअल प्राइस यहाँ मेंशन कर दूंगी एंड डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ मेंशन कर दूंगी. लिंक सब चीज़ों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इफ़ यू आर विलिंग टू बाय जस्ट गो डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टैप ऑन द लिंक. सो नेक्स्ट अप आई हैव गॉट दिस इनसाइड कॉस्मेटिक्स का दिस एच डी कंसीलर. मैंने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को ये यूज़ करते हुए देखा है. आई बेसिकली यूज द स्विस ब्यूटी वन. सो दिस इज हाउ दिस लुक्स लाइक. और जो मैं यूज़ करती हूँ, आई विल शो यू गाइज. अगर आप बजट फ्रेंडली कंसीलर्स ढूंढ रहे हो तो ये इतना अमेजिंग कंसीलर है. मैंने इसमें नहीं बाय करा बट मैं आपको दिखा देती हूँ, बिकॉज मैंने जब से मेकअप थोड़ा वो ट्राई किया है तो मैंने तब दूसरा कंसीलर था ये उस टाइम पे, दूसरा कंसीलर था उस टाइम पे, तो मैंने ये ट्राई किया था. उसके बाद से मैंने आज तक कोई और ट्राई नहीं किया है. सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई दिस वन. मैंने ये ऑर्डर किया है फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स. सो दिस रिटेल्स फॉर 185 रुपीज एंड दिस इज इन द शेड, वेट, सन बेज है आई गेस. आई डोंट नो गाइज, इस पर कोई शेड मैंशन है नहीं, बट उसमें काफ़ी सारे 5 या 6 शेड थे अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन. तो आप वो ऑर्डर कर सकते हो. और अभी मेरे को इसको यूज़ करके देखना पड़ेगा कि ये मेरे ऊपर कैसा लगता है या मेरे वो डार्क सर्कल्स हाइड करता भी है या नहीं. सो नेक्स्ट अप आई हैव गॉट अगेन इन साइड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट. सो दिस इज देयर बनाना पाउडर. सो मैंने आज तक जब से मेकअप सीखा है या करना स्टार्ट किया है तो मैंने आज तक कभी लूज पाउडर यूज़ नहीं किया. आई ऑलवेज यूज़ कॉम्पैक्ट पाउडर्स. सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम. तो मैंने थोड़ा मतलब सोचा कि अगर
मेरा हाथ बैठ गया और मुझे अच्छा लगा, सो आई विल गो एंड बाय अनदर वन. तब तक के लिए ट्राई इससे कर लेते हैं. सो दिस इज फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक. दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. एंड दिस रिटेल्स फॉर 195 रुपीज़. 200 रुपीज़ का है ये, एंड ये भी काफी सही डिस्काउंट पे मिला है गाइज. ओके, दिस इज द सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट ऑफ आर बॉक्स. दिस इज स्विस ब्यूटी ऑन द मूव लिप पैलेट. सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. आई जस्ट लव द पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट. एंड दिस रिटेल्स फॉर 249 रुपीज़. 250 रुपीज़ की है ये पैलेट. मैं दिखा देती हूँ आपको कितने अमेजिंग शेड्स हैं इसके अंदर. सो पैलेट पैकेजिंग ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है. एंड आई विल शो यू गाइज, ऐसी कुछ ये पैलेट दिखती है. सो ये लिपस्टिक पैलेट है. अगर आप लोग कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बहुत सारी लिपस्टिक ले जाने की ज़रूरत है नहीं. इसमें 9 शेड्स दिए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग न्यूडी शेड्स हैं. मतलब इसमें भी काफ़ी सारी पैलेट्स थी बट आई प्रेफर दिस वन. मेरे को इसके शेड्स ज़्यादा पसंद आए हैं. लुक एट देम. एंड दिस इज जस्ट फॉर 250 रुपीज़. 250 रुपीज़ में आपको 9 लिपस्टिक्स मिल रही हैं एंड जस्ट इन वन बॉक्स. इसको आप ऐसे रखो अपने बॉक्स अपने बैग में एंड यू आर गुड टू गो. आपको लिपस्टिक्स कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं है. ओके यू गाइस, सो दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट. आई फ्रीली प्रमोट देयर प्रोडक्ट. दिस इज अजा ब्रांड अजा. सो अगर आपने अभी तक मेरी कोई भी वीडियो नहीं देखी, मैंने हर एक वीडियो में जिसमें भी रिकमेंडेशन दिए है, top 10, top 5 जितने भी जो भी प्रोडक्ट्स की वीडियोज है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने हर एक वीडियो में इसके बारे में ब्लाबर किया है. सो दिस इज अजा ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स. एंड ये मैंने रीस्टॉक किया है. ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स हो गए हैं. मैंने इसके अलावा कोई और सैनिटरी नैपकिन यूज नहीं किया है. सो दिस आई गॉट फॉर बॉक्स ऑफ, इसके अंदर 40 पैड्स हैं एंड दिस रिटेल्स फॉर 519 रुपीज़. एक्चुअल प्राइस इसका 519 रुपीज़ है. सो इफ़ यू आर अ पैड पर्सन, अगर आप सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हो तो गो फॉर देम. एंड अगर आपको ना पसंद आए तो मुझे अनसब्सक्राइब कर देना. एंड और अगर आपको पसंद आए तो 2 लोगों से और सब्सक्राइब कराना, ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. करना हो कर देना, नहीं करना हो मत करना. इट्स ऑल अप टू यू. बट अगर आप सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हो तो प्लीज गो एंड बाय देम. दीज आर सो अमेजिंग. रैश फ्री पीरियड्स होंगे आपको. इफ़ यू मतलब आपको पीरियड्स अगर 10 डेज 15 डेज जितने टाइम के लिए भी होते हैं, अगर आपको इससे एक रैश तक नहीं आएगा. दीज आर सुपर अमेजिंग, सुपर कम्फर्टेबल, सुपर लाइट वेट, सुपर एवरीथिंग. सो गो फॉर देम, गो एंड परचेज देम. लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है. नायका मेरा चैनल अभी तक मोनिटाइज भी हुआ है. नायका कहाँ से मुझे पीआर भेजेगा जो स्पॉन्सर्ड होगा. सो प्लीज़ मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पर्सनली बोल रही हूँ कि अगर आप सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हैं तो go for this brand. Please go and buy for yourself and trust me, you'll be thankful to me for this. So that's it for today's video. ये था हमारा आज का last product. So अगर आपको video पसंद आई है तो don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Also hit the bell icon ताकि जब भी कोई नई video आए तो सबसे पहले notification आपको मिल जाए. See you guys in the next video. Do tell me in the comment section कि आप अगली बार क्या देखना चाहते हैं. Bye.